बे धड़क हरियाणा न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये नाथूसरी चोपटा की है। चोपटा क्षेत्र ने हर खेल में चोपटा क्षेत्र के युवाओं ने भागीदारी निभाई है और हमने मेडल भी जीते हैं और क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। लेकिन चोपटा क्षेत्र में पहली बार फौजी शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्घाटन किया जा रहा है। अब हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो ओलंपिक तक गोलियां भी चलाएंगे और मेडल भी लेकर आएंगे। इसलिए यहाँ ये फौजी साहब हैं, नाथूसरी गांव से साथी हैं हरि सिंह जी, एक्स आर्मी से, उनके द्वारा, उनके साथ कोच प्रहलाद सिंह हैं, उनके द्वारा नाथूसरी चोपटा क्षेत्र में शूटिंग एकेडमी का कल ओपनिंग होनी है। तो तमाम क्षेत्र के लोग जो देख पा रहे हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं कि खेल में आगे बढ़े हैं, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें खुद की लड़ाई खुद से रहती है। यहाँ कोई अप्रोच नहीं होती, यहाँ कोई ज्यादा खर्च नहीं होता। अगर बच्चा मेहनत करता है तो इसमें वो ओलंपिक तक पहुंच सकता है। इसकी ओपनिंग कल होनी है, तो आज हम यहाँ देखने आए हैं कि शूटिंग में किस तरह की अकेडमी में तैयारियां होंगी, कैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अभी अगर बात करें तो दो लड़के हैं नाथूसरी चोपटा क्षेत्र के, जो प्री नेशनल क्लियर करने के बाद आज चोपटा में पहुंचे हैं। उनका चोपटा के तमाम लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ जो है शूटिंग के लिए तैयारियां मतलब करवाई जाएंगी। यहाँ लिखा गया है मिशन ओलंपिक, और ओलंपिक के लिए ही तैयारी होगी। तो इसमें जो अब यहाँ मौके पर जो प्री नेशनल जो गेम क्लियर करके आए हैं, वो साथी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो साथी यहाँ तैयारियां कर रहे हैं वो भी तमाम यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है सर? प्रहलाद सिंह जी। मतलब कितना दिन हो गया तैयारी करता ना, और अभी जो गेम हुए वो कट्ठा हो गया? मेरे को 1.5 साल हो गया। मैं शिक्षा मतलब प्रैक्टिस करता था पहले, और मैच हुए थे हमारे दिल्ली तुगलकाबाद में, डॉक्टर सुकर्णी सिंह रेंजर दिल्ली है वो, वहाँ हुए थे मैच। अब जो प्री नेशनल हुए हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? प्री नेशनल के बाद नेशनल के मैच होंगे अभी नवंबर या दिसंबर के लास्ट तक। मतलब इसमें किस तरह से मतलब पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे मतलब अगर लोग आप नेशनल की बात करते हैं, ओलंपिक की बात करते हैं, जाना चाहते हैं तो किस तरह जा पाएंगे? सर जो सभी गेम है उसी तरह ये गेम है, तो फॉर्म अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होता है इसमें, ये नहीं भी कोई कागजी कार्रवाई ऑफलाइन वगैरह कुछ नहीं है इसमें, सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन अप्लाई करो, जो इवेंट आएगा उसका इवेंट ऑनलाइन करो फॉर्म, अपना खेल के आओ, बस सारा सिस्टम ऑनलाइन है इसका। तो इसमें मतलब और जो मतलब खेल हैं उनमें बच्चे अगर नेशनल खेलते हैं, ओलंपिक खेलते हैं, तो उनको जॉब मिलते हैं और सरकारें उनका सम्मान करती हैं, तो क्या वो सारा स्ट्रक्चर यही रहता है? हाँ बिल्कुल, सभी गेम की तरह ये गेम है। जैसे और गेमों में मतलब डिमांड होती है भी जॉब, सारी चीज इसमें भी है, जो और गेम की सुविधा है वो सारी मिलेगी इसमें। नेशनल क्वालिफाई होने के बाद सारी जॉब वगैरह कहीं भी जा सकता है बंदा। आपने 1.5 साल का बोला, अभी अगर आज कोई बच्चा मान लो मैं आज तैयारी शुरू करूं तो कितने दिन में हो सकता है कि उस मुकाम तक पहुंच जाए? कितनी मेहनत करनी पड़ती है अन्य खेलों में, क्योंकि अगर हम बात करें रेसलिंग की बात करें, कबड्डी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो एक लंबा अर्सा लगता है, इसमें कितना कितनी मेहनत बच्चों को करनी पड़ती है? सर और गेमों से तो ये गेम मतलब बिल्कुल अलग है, तो ये नहीं है भी हाँ इसमें 2-3 साल, अगर बंदे में मेहनत करने की इच्छा है 1 साल में नेशनल क्वालिफाई कर सकता है आराम से 1 साल में। इसके लिए कोई एज नहीं है इसमें, कम से कम 10 साल नेशनल पार्टिसिपेट के लिए 10 साल एज है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर का कोई लिमिट नहीं है। अलग अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। आपने प्री नेशनल क्लियर किया, आपको बधाई। थैंक यू सर, आपको बधाई। तो और साथी हमारे साथ ये देख पा रहे हैं जो यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, ये साथी भी प्री नेशनल क्लियर कर गया। क्या नाम है? योगेश कुमार। कौन सा नाम आपका? नाथूसरी कला। कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए? मैं अब जनवरी में लगा था, 1 जनवरी से। मतलब 8-10 महीने हो गए। तो कहाँ करी तैयारी आपने? हमने पहले सिरसा की थी तैयारी। अच्छा, तब उसमें आने जाने में दिक्कत होने लगी, और सुबह जैसे भीड़ भड़ाका होता है बस में, उस वजह से माइंड भी डिस्टर्ब होता है। इसमें सारा गेम है माइंड का। अच्छा, इंडिविजुअल गेम है, इंडोर गेम है, ऐसे नहीं कि गर्मी हो सर्दी हो, नहीं, इसमें इंडिविजुअल गेम है, खुद की तैयारी। उसमें माइंड पे अगर कॉन्सेंट्रेट है तो अगला बंदा आगे जा सकता है। अब मिशन क्या है आपका? मिशन जी ओलंपिक। अभी प्री नेशनल के बाद कैसा फील किया जा रहा है कि आप चोपटा की धरती से आए हैं, तो अब चोपटा में ये शुरू हो रही है नर्सरी,
यहाँ से बच्चे तैयार होंगे, आपके साथी और मिल जाएंगे, तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? यही है कि अगर अपने एरिया में रहें जो ना, तो एक तो आने जाने का टाइम कम होगा और खुद की रेंज मतलब इधर आएंगे ना तो बच्चे अच्छी तरह से, गांव के बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरे को 6 महीने हो गए उसमें किए थे, तब मैंने कर दिया था। अगर अब आपको बोला जाए उस पर निशाना लगाना है तो आप कहाँ कितने नंबर पे लगा पाओगे? क्लिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से क्लिक किया जाए तो निशाना सही लगेगा। तो आप अपने हिसाब से करके दिखाओ हमें। ये साथी है जो दोनों ही है, एक बार आपको दिखाएंगे अभी कितनी मतलब इनसे लगवाते हैं। पहला नहीं हो पाता कई बार एडजस्टमेंट, तो आप देख पाएंगे कि ये तैयारी है। और फिर यहाँ फौजी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करवाएंगे कि क्या है, लेकिन एक बार ये दिखाना चाहते हैं। आप भी लगाओ जी फौजी साहब, दोनों से टारगेट सेट करवाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से शूटिंग की तैयारी यहाँ होगी। बहुत नॉर्मल एकदम से नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए जीतने की, आपके अंदर वो पूरा स्टेमिना होना चाहिए मतलब इस गन को चलाने का। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये नाथूसरी चोटा में जो नई ओपनिंग हुई है इस एकेडमी की, वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ। जो कोच साहब हैं वो एक बार सेट कर रहे हैं टारगेट को, तो देखिए आप यहाँ, ये आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं यहाँ टारगेट्स सेट किए गए हैं, और दोनों ये वो साथी हैं जिन्होंने प्री नेशनल क्लियर किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि इनकी तैयारी जो है और कैसी तैयारी यहाँ करवाई जाएंगी, वो एक बार देख लें, उसके बाद टारगेट दिखाएंगे आपको कि निशाना सही लगता है कि नहीं लगता। 3-3 फायर हम करवाएंगे, एक एक हो गया है, उसके बाद रिजल्ट काउंट करेंगे भी ज्यादा नंबर किसके आए हैं, एक बार लगा दो फिर 3-3। तो ये मतलब बड़ी बात है चोपटा क्षेत्र के लिए कि यहाँ अगर इस तरह की तैयारी करते हैं तो हमारे जो लोकल एरियाज के बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं, उनको निखारना एक बड़ी बात होती है। और निखारा तब जाता है कि जब उनको पर्टिकुलर एक जगह मिले, और वह जगह यहाँ फौजी साहब और उनकी टीम ने जो की है उसी को आज हम यहाँ आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के अगर साथी आगे निकलेंगे तो इस एरिया का, इन गांवों का नाम रोशन होगा। लोग इसकी तरफ देखेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में कितने बड़े इवेंट हो रहे हैं। ये फाइनल राउंड साथी का है, 3 हो गया। अब आपको टारगेट चेक करवाते हैं भाई कहाँ कहाँ लगी हैं। ले अभी करें कैमरे ने लिया है, नहीं बहुत इतना लोग तो कोई चला ही कौन सका है। नंबर आए हैं भाई 8 और 14, 2 7 7 आए हैं, 1 3 6 नंबर आए, 6 कटे हैं। अच्छा 30 में 6 नंबर कट गया, मतलब 24 नंबर आए अभी। और इसी तरह से इनकी जो है वो वहाँ तैयारियां होती हैं। और आपने लगाए हैं भाई के साथी, लगा दिया? अच्छा लगा वो भाई, और चलाए दिखाओ। 30 में 24 नंबर आए अभी, इंग और देख लिया, क्योंकि ये चीज आपको मतलब आपके सामने डेमो इसलिए करवाया जा रहा है कि तन को ये लगे कि भाई वहां गए थे और ऐसा ही मतलब एक एज ए पर रूल नहीं दिखाया। वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोनों साथी वहां से जीत के आए हैं। और ये भी नहीं है कि कोई बॉडी बिल्डर होगा, कोई मतलब अलग तरीके के लोग होते हैं, हमारे गाँव के बच्चे हैं, हमारे पड़ोसी गाँव नाथूसरी कला की अगर बात करें वहां से रहने वाले दोनों साथी हैं जो प्री नेशनल क्लियर करके आए हैं और जल्द ही ये नेशनल में खेलेंगे। तो एक बार आप कंटिन्यू रखो भाई, एक हो गया है, देखते हैं इनके कितने नंबर आते हैं। 24 आए हैं उनके, तो 2 राउंड हुए हैं, एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे भी कितने नंबर आए। फिर यहाँ जो ओनर है जिन्होंने इस संस्थान को शुरू किया है उनसे मुलाकात करवाएंगे और वो बताएंगे आपको। ये फाइनल राउंड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेक करते हैं भाई कितने नंबर इनके 30 में से आए हैं। ले आओ भाई टारगेट, कितना नंबर है?
21 है अभी। तो अब हमारे साथ ओनर फौज साहब हैं, वो जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे भी यहाँ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये जो वेपन है वो भी लगभग 2 लाख के करीब है, वो एक वेपन मिलता है। तो यहाँ अगर हर आज भी कोई बच्चा तैयारी करने अगर कल से शुरू करेगा तो वो 2 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट क्यों करे, तो उस बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? हरी सिंह। इंडियन आर्मी से तैयार जी। सर आपने ये जो यहाँ शुरू की है शूटिंग अकेडमी, तो आपके पास अगर कोई बच्चा तैयारी करने आता है तो आप क्या कुछ सुविधाएं देंगे, क्या पोस्ट लेंगे उससे, ये तमाम जानकारी दर्शकों को दें जी। सबसे पहले मोटिव यही है कि हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो सिरसा जाते हैं, सिरसा में अगर जाएंगे तो पूरा दिन खराब होगा उनका, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे ये अकेडमी शुरू की है। सिरसा में 4.5 से 5 हज़ार रुपये फीस लगती है, यहाँ पे हमने मिनिमम फीस शुरू की है 3 हज़ार रुपये, और सिरसा में जो फैसिलिटी है उससे कहीं ना कहीं बढ़ के फैसिलिटी हम यहाँ पे देंगे। आप देख रहे हो कि 3 से 4 नए वेपन लाए हैं और बाकी सारी सुख सुविधाएं इधर उपलब्ध करवाई जाएगी बच्चे को। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे को कमाई नहीं करनी है यहाँ पे, सिर्फ एरिया के बच्चों को नेशनल ओलंपिक तक लेके जाने का ये तरीका है। एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया रहेगी? एडमिशन की जैसे बच्चा 10 साल से प्लस हो, 10 साल या 10 साल से प्लस हो, आगे कोई भी एज मैटर नहीं करती है, और एक आधार कार्ड और जो बच्चे का मतलब मार्कशीट है। कल से शुरुआत हो जाएगी जी, कल ओपनिंग है तो कल से शुरू कर जी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ यहाँ के तमाम जो फौजी साहब, और ये शूटिंग एकेडमी आप नर्सरी चोटा में देख पा रहे हैं, एक बार जरूर अपने बच्चों को विजिट कराएं क्योंकि ये खुद का खेल है और खुद को जीतना होता है इसमें। तो ये तमाम जानकारियां अब ये देखिए साथी ने टारगेट लगाए हैं एकदम, तो ये तैयारी आप यहाँ इसने 8 महीने में की है, तो अब आप चोटा में भी ये तैयारियां कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेतड़क हरियाणा न्यूज़ पे, मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।